One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. इस कंपनी में आग लगी थी, कितना टाइम हो चुका है और अभी स्थिति क्या है फिलहाल? आग की सूचना लगभग कल रात को जो है लगभग 9:30 बजे हम लोगों को मिली थी और ये ओरिफ्लेम नाम की एक कंपनी है जिसमें किसी प्रकार का उत्पादन नहीं किया जाता है, सिर्फ इसमें जो फैक्ट्री में बना हुआ सामान है, जो फेस टू मेन की एक फैक्ट्री है, वहाँ इनके जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको यहाँ स्टोर करते हैं, पैकिंग करते हैं और यहाँ से जो है डिस्पैच करते हैं। अभी क्या स्थिति है यहाँ पर, आग को अभी तक बुझा नहीं पाए हैं आप लोग? आग को तो हमने रात ही कंट्रोल कर लिया था, लेकिन यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है इसका फैक्ट्री का, ये सब एंगल और स्टीन पे है जो आग से पिघलने के बाद नीचे गिर गया है और उसमें जो नीचे दबी हुई आग है वो बची है, बाकी तो हमने सब बुझा दी। केमिकल को बुझाने के लिए पानी इतना इफेक्टिव नहीं रहता, तो क्या केमिकल को बुझाने के लिए कुछ और उपकरण भी होने चाहिए? केमिकल का जो डिस्क्रिप्शन है, अगर भारी मात्रा में लिक्विड है, चूंकि इसमें जो केमिकल है वो बंद डब्बों में छोटी छोटी मात्रा में 10 ग्राम 5 ग्राम, अगर वो केमिकल अगर भारी मात्रा में लिक्विड में, तो उसके लिए फोम की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको हम लोग फोम से बुझाते हैं। इस समय दमकल की कितनी गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग को अभी भी काबू करने में लगी? क्योंकि फायर की जो शुरू में गाड़ी लगी थी वो लगभग 18 गाड़ी लगी थी और अब तो 18 की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ पे लगातार वाच कर रही है, कोई और मिसहैपनिंग साइड में या वो पड़ोस में ना हो जाए, वाच भी कर रही है और बुझा भी रही है। 18 गाड़ी लगी। आपको आखिरकार अभी तक तो आप इतने रात से यहाँ पे मौजूद हैं, ये पता लग पाया कि ये आग की वजह क्या थी लगने की, और क्या ये कोई कंपनी ने जानबूझ के तो नहीं लगाई? अभी इस बारे में कोई स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ के जो चौकीदार हैं, जो गार्ड रहते हैं, उनका कहना यह है कि इलेक्ट्रिक जो है फ्लक्चुएट कर रही थी, वोल्टेज कम ज्यादा हो रहे थे, तो इन्होंने एमसीबी से बंद कर दिया था, लेकिन जब इन्होंने ऊपर फ्लेम देखी तब इनको मालूम हुआ कि अंदर कोई आग लग गई है, तब तक वो भयानक थी। तो क्या जांच की जाती है कंपनी में, सारे फायर बुझाने के लिए उपकरण होते हैं, एनओसी बाकायदा दी जाती है, इनके पास एनओसी थी, उपकरण थी? हाँ, एनएससी है इनके, और जैसे अभी आप गेट के बगल में देख रहे हैं इनका 1.5-2 लाख लीटर का अंडरग्राउंड टैंक है, उसके पंप भी लगे हैं, चारों तरफ जो है इनकी पाइपलाइन भी गई है, लेकिन इस हादसे में इस सब को चलाने का या इनको कुछ करने का अवसर नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ कोई मैन पावर नहीं थी जो शुरू में वॉच करती या कोई इस तरीके से वार्निंग मिलती, इन्होंने जब देखा तब तक वो स्थिति विकराल हो गई थी और वो काबू से बाहर हो चुकी थी। ठीक, ये तो ये आग कितने बजे लगी थी? हमारे पास सूचना 9:07 हो गया आपका। 9:07 कल रात को जी, और अभी तक आग बुझी नहीं?